Hello everyone, I hope you all are fine and pink of your health. Today, I just want to start with the poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Here in this, I just going to explain the whole poem and also about the poet. So start with the poet. Sir Stephen Harlot Spender, born in 28 February 1909. In England, he was a poet, novelist, and essayist. His major stream of work is on social justice and the class struggle. He is an eminent poet of his time. He was also appointed the 17th Poet Laureate Consultant in Poetry, the United States Library of Congress in 1965. And this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, was part of the God That Failed book. And this book published in 1949 and this poem published in 1964, that is collected poems. Under the collected poems. It is a lyrical poet, and this poet is about the young children of a slum area. The unpleasant lives of the poor children in the slum, it explains it very well. Here shows the importance of education, the significance of the role of teacher. Fine, beta? After that, in this poem, it is divided into four stanza, and these four stanza have some basic thing. First of all, the first stanza, if we see how students are, okay, means ki students kaise hain. First stanza mein aapko pata lagega students aapko kaise dikhai dete hain, wo kaise describe kiye gaye hain. फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये सब बातें हैं. आफ्टर दैट हाउ द क्लासरूम इज, दैट मीन्स द क्लासरूम इज मेड अप ऑफ विच थिंग्स, इज द क्लासरूम इज वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस, द थिंग इज लाइक दिस, मीन्स क्लासरूम कैसी होगी, आपको ये सेकेंड स्टैंजा में पता लगेगा. इसका थर्ड स्टैंजा में आपको पता लगेगा कि कंडीशन और उनकी लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स पर उसका क्या इफेक्ट है, उनकी लाइफ कैसे जाती है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है या नहीं है, वट एवर द थिंग इज, दैट इज़ इन द थर्ड. एंड द लास्ट वन इज़ रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी टू ब्रिंग आउट दिस चिल्ड्रन फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सच काइंड ऑफ कंडीशन. मीन्स अथॉरिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे इस पोएम में. ओके, लेट अस बिगिन विद दिस. बेटा साथ साथ में आपको पोएटिक डिवाइसेस बताते चले जाऊँगी, यू जस्ट नोट इट डाउन एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर योर एग्जामिनेशन. सो लाइन टू लाइन वी विल स्टार्ट इट. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. हेयर फार फार FF रिपीट हुआ है, तो मीन्स पूरा वर्ड भी रिपीट हुआ है ना यहाँ पर. FAR FAR FAR, डैट इज रिपीटेशन हुआ है, राइट बेटा. एंड फार फार फ्रॉम मीन्स FFF, तो ये क्या है, F एक लेटर रिपीट हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एलिट्रेशन. फाइन बेटा जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. तो ये तो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस थी. अब इसका मतलब क्या है, फार फार रिपीटेशन, ये जो रिपीटेशन है ये क्या लेस करना चाहता है, मीन्स ये डिप्रिव्ड ऑफ है. फार, हाउ फार इट इज़, मीन्स इट इज़ वेरी फार, मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ. फ्रॉम विच थिंग्स, गस्टी वेव्स. अब गस्टी वेव्स क्या है बेटा आपके लिए, ठीक है. गस्टी वेव्स मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, मीन्स द वेव्स हैव बीन गिवन हेयर द ह्यूमन क्वालिटी ऑल्सो. सो हेयर द पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. तो क्या कह रहे हैं कि गस्टी वेव्स मीन्स विंड वेव्स से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नेचर से वेरी फार अवे हैं. ओके, अब इसको सेकेंड मीनिंग में देखो तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा दूर है. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, मतलब इन बच्चों के जो फेसेस हैं, ये बच्चे जो हैं वो क्या हैं, वो वेरी फार अवे हैं. ओके, डिप्रीव्ड ऑफ है अपॉर्चुनिटी से, राइट बेटा.
अब नेक्स्ट इज उन्होंने कहा कि लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स दे आर लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स ये बच्चे कैसे हैं, ये रूटलेस वीड्स जैसे हैं. अब लाइक है तो डेफिनेटली क्या है आपका, सिमिली है, राइट बेटा. तो जहाँ पे आपको लाइक दिख जाए, एज दिख जाए, तो अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो अपने आप अंडरस्टूड करना कि लाइक क्या है, सिमिली है. ओके, तो दीज चिल्ड्रंस, ये जिन ये कौन से बच्चे हैं दीज चिल्ड्रंस. अब क्वेश्चन आता है आपका एक नंबर में, जब आपको स्टैंजा करना होता है तब आपके में क्वेश्चन आता है कि भी दीज चिल्ड्रंस को किसको बोला गया है, कि ये दीज चिल्ड्रंस कौन है. तो दीज चिल्ड्रंस कौन है बेटा, ये चिल्ड्रन है स्लम एरिया वाले चिल्ड्रन, ठीक है, जो उस क्लासरूम में पढ़ते हैं लेकिन वो स्लम एरिया में रहते हैं, राइट. तो दीज चिल्ड्रंस कौन से है, वो स्लम चिल्ड्रन. तो लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स जो वीड्स होता है बेटा, अनवांटेड प्लांट्स. ओके, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स. तो जैसे कि ये एकदम अनवांटेड प्लांट्स की तरह हैं, बिल्कुल उनके जैसे हैं, दैट मीन्स नोबडी वांट्स देम. ओके, एंड रूटलेस है. रूटलेस मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, राइट. तो लाइक रूटलेस वीड्स दैट हेयर टोन अराउंड देयर पैलर, कि उनके जो हेयर है वो उनके पूरे येलोइश फेस पर टोन अराउंड है, मीन्स स्कैटर्ड हो रखे हैं, राइट बेटा. अब थोड़ा ये दो लाइन देख लेते हैं. फार फार जो रिपीटेशन हो रहा है, ये ले स्ट्रेस करता है ऑन द डिस्टेंस, कि भाई बहुत ज़्यादा दूर है ये बच्चे नेचर से, ये बच्चे अपॉर्चुनिटीज से, हैप्पीनेस से, इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर है. और गस्टी वेव्स क्या है, मीन्स सडन रश ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड विगर, मीन्स कि ये क्या है, बिल्कुल इनसे दूर है, नेचर से, एनर्जी से, अपॉर्चुनिटी से, हैप्पीनेस से. एंड द फेस ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी फार फ्रॉम बींग एनर्जेटिक एज दे शुड बी, कि वेरी फार है ये एनर्जेटिक से जहाँ उन्हें होना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा दूर है. After that he says कि like rootless weeds means सिमली हुआ यहाँ पर. और ये क्या है कि rootless है, without any foundation, without any attached to something, means weeds is unwanted, so the children are unwanted and without any bindings, their hair is smeared all over their पेल फेस, स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं उनके येलोइश, मीन्स कि ये इससे यहाँ से ही पता लग जाता है कि ये बच्चे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड हैं, मीन्स उनको फूड प्रॉपरली नहीं मिल रहा है. तो वो क्या स्कूल में करेंगे, वो स्लम एरिया में, वो क्लास में बैठकर कर करेंगे क्या, कैसे एजुकेशन लेंगे. तो हेयर फ्रॉम द थर्ड लाइन स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब द गर्ल, डिस्क्राइब द चिल्ड्रन फ्रॉम द थर्ड लाइन. ओके, यहाँ पर एक लड़की से स्टार्ट करता है वो. द टॉल गर्ल, अ टॉल गर्ल प्रॉबेबली कुड बी ओल्डर फॉर द क्लास इन विच शी इज स्टडिंग, मीन्स टॉल गर्ल बोला है तो हो सकता है उसकी एज बड़ी है बाकी बच्चों से कंपेयर करके. विद हर वेट डाउन हेड, मीन्स कि जो टॉल गर्ल है उसने क्या किया हुआ है, हंग लो ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, द माल नरिश्ड. तो उन्होंने क्या किया हुआ, उस गर्ल ने, उस लड़की ने हेड डाउन किया हुआ है. और इससे क्या दिखाता है ये, कि जो बच्ची है ये बहुत ज़्यादा बर्डन है अपनी पॉवर्टी से या माल नरिश्ड से, ठीक है, वो आ तो गई है लेकिन वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीबी ने उसको बिल्कुल दबा दिया है, बर्डन है बहुत ज़्यादा उसको पॉवर्टी का, देखिए, राइट बेटा, माल नरिश्ड का. तो ये क्या है, सिंबल्स हैं बेटा, ठीक है, वेटेड डाउन. और आप ये भी कह सकते हो ये मेटाफर है, क्योंकि क्या है, उसने बिल्कुल जैसे कि सर नीचे करने का जैसे किया हुआ है, ठीक है, मैंने वेट डाउन मीन्स ये नहीं उसके सिर पर कुछ रखा हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ पर मीनिंग. यहाँ पर मीनिंग है कि उसने अपना हेड हंग किया हुआ है लो, ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू द पॉवर्टी एंड मालनरिश्ड. नेक्स्ट इज द पेपर सीमिंग बॉय. हेयर द पेपर सीमिंग बॉय इज़ अगेन अ मेटाफर. ओके, ये क्या है, मेटाफर है पेपर सीमिंग बॉय, क्योंकि यहाँ पर पेपर जितना पतला बच्चा बोला गया है, मीन्स हिज स्किन इज एज थिन, ओके, बहुत ज़्यादा एज थिन एज पेपर. तो बिल्कुल पेपर जितना पतला बच्चा है वो,
विद रैट्स आइज. रैट आइज मीन्स क्या है बेटा? अनदर मेटाफर इट इज रैट आइज. मीन्स यहाँ पर रैट जैसी आँखें हैं. रैट जैसी आँखें मीन्स इट इंडिकेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइज बींग सर्च ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी. राइट राइट आइज. एक तो पैराग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक आता है. राइट इसके बाद आपका जो स्टेंजाज आते हैं बोर्ड के पेपर में, एक तो ये आता है, दूसरा आपका ये आता है बेटा, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टर. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी टाइम इट्स कम इन केम इन बोर्ड एग्जाम. सो लिसन वेरी केयरफुली नाउ. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स वन बॉय इज देयर. मीन्स द स्टंटेड है. स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड. राइट बेटा. मीन्स वो बच्चा कैसा है? स्टंटेड है. मीन्स नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, और जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, स्टंटेड हो गया है. अनलकी हेयर. देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है. जो हेयर है एच ई आई आर मीन्स होता है उत्तराधिकारी. मीन्स जो विरासत को आगे लेकर जाए. राइट बेटा. तो यहाँ पर ये जो बच्चा है स्टंटेड मीन्स अंडर डेवलप्ड है, नॉट फुली ग्रोन है, लेकिन ये सक्सेसर है. ठीक है. लेकिन कैसा सक्सेसर है ये? ये सक्सेसर है अनफॉर्चुनेट सक्सेसर है. मीन्स अनलकी है. क्यों अनलकी है? सक्सेसर मोस्टली क्या लकी होते हैं? देखो आयरनी भी बताई गई, बोली गई है यहाँ पर. आयरनी आप बोल सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर वो बच्चा कैसा है? बिल्कुल कह सकते हैं अनलकी है, अनफॉर्चुनेट है. क्यों है वो अनफॉर्चुनेट? बिकॉज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. क्योंकि उसके पास क्या है? क्योंकि वो क्या है? ट्विस्टेड बोन्स है. ठीक है. मीन्स कि उसको ये जो ट्विस्टेड मीन्स होता है डिस्टॉर्टेड. राइट. तो जो बोन्स है बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, बैंड हो रखे हैं, मुड़ी हुई हैं ये बोन्स. एंड रिसाइटिंग कर रहा है. ये कहाँ से मिला उसको? उसने अपने फादर से मिला. यहाँ से यहाँ पर बोला है ना अनलकी ही है. डेट मीन्स उसको ये जो डिजीज़ है वो कहाँ से मिली है? अपने फादर से मिली है. तो वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग कर रहा है. अब रिसाइटिंग देख लो यहाँ पर पन है. कैसे है ये पन? देखो रिसाइटिंग अ फादर्स गर्नर डिजीज. ये देखो फादर जैसी डिजीज़. अब यहाँ जैसी नहीं लिखा ना तो मेटाफर हो गया. तो उसने वो क्या है? अपने फादर जैसी डिजीज़ को रिसाइट कर रहा है. रिसाइटिंग मतलब क्या है यहाँ पर? कि आगे लेकर जा रहा है. राइट बेटा. मीन्स कि ये जो बच्चा है, द बॉय हैज़ अ डिफॉर्म्ड बॉडी ड्यू टू अ डिजीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. ओके. ये अपने फादर की डिजीज़ को क्या कर रहा है? आगे लेकर जा रहा है, रिसाइट कर रहा है. राइट. एंड हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. और क्या रिसाइट कर रहा है? एक तो अपने फादर की गर्नर डिजीज़ को रिसाइट कर रहा है. एंड हीज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. और अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, जैसे बोल रहा है, अपने लेसन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या वहाँ एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहा है. यहाँ तक आता है बेटा एक स्टेंजा जो मैं आपको कह रही थी ना, इंपॉर्टेंट है. राइट. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. मीन्स कह सकती हूँ द स्टंटेड से लेकर देन दिस तक इम्पॉर्टेंट है ये. राइट. एट बैक ऑफ द डिम क्लास. अब देखो पहला बच्चा क्या था? टॉल गर्ल था. दूसरा बच्चा क्या है? एक बॉय है, पेपर सीमिंग बॉय है, रैट उसकी आइज है. मीन्स सर्च ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी के लिए वहाँ बैठा हुआ है. वो क्या है? मीन्स के अपने फादर की कर्नर डिजीज़ एक बच्चा आगे लेकर जा रहा है. और एट बैक, और एक प्यारा सा स्वीट सा यंग बॉय है एट बैक ऑफ द डिम क्लास. अब यहाँ देखो ये जो डिम क्लास है, डिम क्लास का मीन्स क्लास डिम है. वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ के स्कूल का बता दिया. एक छोटी सी बात के लिए बड़ी बात बोल देना. स्नेक डॉग की होता है बेटा. ठीक है. स्नेक डॉग की ये क्या होता है? जहाँ पर एक छोटी सी, जैसे क्लास की बात कर रहे हैं लेकिन ये पूरी स्कूल की बात हो रही है. कि स्कूल कैसा है? वो पूरा जो स्कूल है वो बिल्कुल डिम है, डार्क है, डल है. वहाँ पर एजुकेशन जैसा कोई मतलब नहीं है. मीन्स नॉट क्लियर. राइट बेटा. तो वहाँ पर क्या है? वन अननोटेड. अननोटेड मीन्स नॉट नोटिस्ड और मार्क, जिस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है. स्वीट है, यंग है. राइट. वो बच्चा कैसा है? स्वीट है, यंग है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता. एक तो लास्ट बेंच पर वो बैठा है. एंड हिज आइज, और उसकी आँखें जो हैं, हिज आइज. सिर्फ एक ये यंग बच्चा ऐसा है, ये स्वीट बच्चा ऐसा है, वो जो अननोटेड है, जिसकी आइज़ लिव इन अ ड्रीम. जो कि हाँ लिव कर रहा है, वहाँ पर कुछ लाइफ है उसके पास. जैसे कि उसकी आँखों में कुछ सपने हैं. कैसे हैं वो सपने? कौन से हैं वो सपने? कि वो उस क्लास, वो जो क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको बाहर चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं.
ओके बाहर जो चीज़ें हैं वो लाइवलीहुड वाली लग रही हैं, जैसे कौन सी चीज़ें हैं वो, ऑफ स्क्रिल गेम, अगेन मेटाफर, स्क्रिल गेम मीन्स यहाँ पर जो स्क्रिल है वो तो गिलहरी हो गया और वो एक गेम खेल रही है, मीन्स कभी एक ट्री से दूसरी ट्री में जाती है, कहाँ पर खेल रही है, इन ट्री रूम। अब यहाँ पर जो ट्री रूम है मीन्स कि क्या है, ट्री के अंदर, मीन्स अ प्लेस मेड इन अ इन द ट्री, ठीक है, पेड़ के अंदर वो जगह बनानी, किसके अंदर चले जाना फिर अचानक बाहर निकल आना, तो ये क्या है, वो एक ऐसे गेम खेल रही है, जो वो मूवमेंट है उसको वो देख रहा है। अदर देन दिस, अदर देन दिस मीन्स कंपेयर कर रहे हैं कि क्लास से, जो वो क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उससे ज़्यादा बेटर उसको बाहर का एनवायरनमेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका डिस्क्रिप्शन समझ आ गया कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्या क्या वो सोच रहे हैं, क्या कैसे वो दिख रहे हैं, उनकी कंडीशंस कैसी हैं, राइट बेटा, कि कैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। आफ्टर दैट इन द सेकेंड स्टैंजा, अब यहाँ पर थोड़ा क्लासरूम्स के बारे में बता रहा है पॉइंट, कि जो स्लम एरिया है वहाँ पर क्लासरूम्स कैसी हैं, तो ये आप ध्यान से देखना। यहाँ तक ये जो स्टैंजा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपका, इसके बाद वाला इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है बेटा, बट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आप, ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब देखो यहाँ पर बोला है सोर, सोर मीन्स यहाँ के अनप्लीजेंट, ओके हियर इट मीनिंग इज अनप्लीजेंट है, सोर क्या मतलब है, अनप्लीजेंट क्रीम वॉल्स, क्रीम मीन्स कलर होता है, ठीक है, डल कलर कह सकते हैं, क्रीम कलर कलर होता है, और यहाँ पर पन भी है क्योंकि ये डाइज ऑफ सोसाइटी मीन्स कि ये क्या है, बिल्कुल ये जो वॉल है बिल्कुल जर्जर हो गई है, बिल्कुल ख़राब वॉल है, ओके पर उन वॉल्स पर क्या लगा हुआ है, डोनेशंस हैं, राइट। अब वो कौन कौन सी डोनेशन, ये पिक्चर्स हैं, ओके कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, आप देखो कौन सी कौन सी, शेक्सपियर हेड, अगेन से एक डॉट है क्योंकि क्या है, शेक्सपियर हेड को वहाँ पर, शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट वहाँ पर हैंग हो रखी है वॉल पर, बट वो जो वो पूरी क्या दिख शो करता है, वो पूरी शो करता है पिक्चर, राइट बेटा, मीन्स कि वो पिक्चर शो करता है, किस चीज़ की पिक्चर शो कर रहा है, वो हेड की, मीन्स शेक्सपियर हेड क्या है, उसकी पिक्चर है, लेकिन शेक्सपियर हेड बोला गया है, हेड क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी है, राइट, और इसीलिए अगर किसी के पार्ट का यूज़ करते हैं लेकिन उसका वहाँ पर मतलब पूरे के पूरे उस पर्सन से होता है, तो वो क्या होता है, सिनेक्डॉग की, राइट बेटा। एक हो गया आपका शेक्सपियर हेड, ये सब डोनेशन में मिली हुई हैं, राइट, फर्स्ट इज शेक्सपियर हेड, सेकेंड इज क्लाउडलेस एट डॉन, मीन्स अर्ली मॉर्निंग की पिक है, राइट बेटा, डाउन मीन्स क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, मीन्स अभी सनराइज हुआ नहीं है, उससे पहले की बात हो रही है। आफ्टर दैट यहाँ पर बोली गई है बात, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब देखो यहाँ पर, हेयर सिविलाइज्ड डोम मीन्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वो बिल्डिंग्स, वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, और ये यहाँ पर कौन, इन पर कौन राइड कर रहा है, कौन रहता है इनमें, जो ऑल सिटीज़ में मीन्स जो रिच पीपल हैं, ठीक है, उनका दिखा रहे हैं, एक तो शो कर रहे हैं कि उनकी जो बिल्डिंग्स है वो कैसी है, राइट बेटा। नेक्स्ट इज बेल्ट, बेल्ट होता है चर्च है, ठीक है, क्या है चर्च, बेल्ट फ्लावरी, ओके जहाँ फ्लावर्स हैं, कहाँ पर है ये फ्लावर्स, टायरलेस वैली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की में एक वैली है जिसका नाम क्या है, टायरोल, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की वैली का नाम है टायरोल, और उसमें एक टायरलेस वैली है जहाँ पर क्या है, वो टायरलेस वैली में क्या है, चर्च है, ठीक है, फ्लावरी है, तो ये वो उसकी एक पिक है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, राइट। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ ओपन हैंडेड मैप, और एक ओपन हैंडेड मैप मीन्स क्या है, यहाँ पर ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि जहाँ पर ना बच्चों को क्या किया गया है, एक मैप दिखाया गया है जो कि खुद किसी एस्ट्रोक्रेटिक पीपल ने या कोई जो पोजीशन पर है उन्होंने बनाया, मींस ओपन हैंडेड है, मींस किसी के द्वारा बनाया गया है, कोई स्केल से या कोई पर्टिकुलर नाप नहीं लिया गया है, इसीलिए कहा गया है ओपन हैंडेड मैप। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, फर्स्ट इज़ शेक्सपियर हेड, सेकेंड इज़ क्लाउडलेस एट डॉन, थर्ड इज सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एंड नेक्स्ट इज़ बेल्ट फ्लावरी टायरलेस वैली, एंड लास्ट वन इज़ ओपन हैंडेड मैप।
मीन्स ये आपकी फाइव थिंग्स होंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। ये फाइव चीज़ें हैं वहाँ पर वॉल्स पर, ठीक है, जो कि किसी ने डोनेट कर रखी हैं, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स, जो ये पिक्चर्स हैं ये क्या कर रही हैं, आगे बोला गया है, मीन्स अब तक क्या बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोस्टर पुट अप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, दे आर प्रॉब्ली डोनेटेड टू द स्कूल। ये क्या किया गया है, ये डोनेट कर रखा है स्कूल में, राइट। ये जो पिक्चर्स हैं तो इनको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्लियर पिक्चर बताई दी गई हैं जो वहाँ पर डोनेशंस के थ्रू लगी हुई हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम हैज़ अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, मीन्स उसका बिल्कुल दिखाया गया यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, इज़ एन एपिटमी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। शेक्सपियर के नाम को सब जानते हैं अच्छे से, तो मीन्स एजुकेशन सेट टू बी सिमिलर टू द राइजिंग सन एंड इट इज स्प्रेड्स लाइट इन ऑल द लाइव्स जस्ट एज द सन स्प्रेड सन लाइट इन ऑल द सिटी। तो मीन्स वही है, एजुकेशन क्या है आपका, ये एक एपिटमी है शेक्सपियर एजुकेशन के लिए, या आप कह सकते हैं लिटरेचर। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है शेक्सपियर के बारे में, वो एक और ये बात बोली गई है बेटा कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ कल्चर एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो शेक्सपियर है ये कल सिंबल देता है आपका कल्चर का, एजुकेशन का और इंटेलिजेंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया में हर कोई शेक्सपियर को जानता है, बट इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बिल्कुल अननोन है, वो बिल्कुल नहीं जानते शेक्सपियर के बारे में। तो नेक्स्ट है इसमें पोस्टर में, ये क्लाउडलेस एट डॉन हो गया अर्ली मॉर्निंग का, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सिविलाइज्ड डोम का पिक्चर हो गई है। एंड नेक्स्ट इज टायरलेस वैली, मीन्स जो कि चर्च एंड फ्लावर्स, जो कि सिंबल किस चीज़ का है बेटा, ब्यूटीफुल क्रिएशन। अब ये कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है और ये कहाँ पर है, उस स्लम एरिया में है, मीन्स मैप भी एक मेटाफर है यहाँ पर, ये जो मैप है, ठीक है। बट टू दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या ये कितना यूजफुल है, अवॉर्डिंग, अब ये क्या, ये जो ओपन हैंडेड मैप है ना, ये अवॉर्ड कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मीन्स कि एक छोटे से मैप में ना ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को अवॉर्ड कर रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को बता रहा है कि भाई ये है तुम्हारा वर्ल्ड मैप, ये इसमें यहाँ तुम रहते हो, ऐसे बता रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, दीज विंडोज कौन सी है, मैं मीन्स जिस क्लास में वो बैठे हैं ना उस क्लास में एक विंडो है, ठीक है। तो बच्चे बैठे हैं तो वो सामने मैप है, अब वो मैप में इतना इंटरेस्ट नहीं है उनका, क्योंकि उनके लिए तो वो मैप क्या है, बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन वो जो विंडो से वो बाहर देखते हैं, वो जो नज़ारा देखते हैं बाहर, वो दीज विंडोज़ मीन्स उस क्लास में जो विंडोज़ है, नॉट दिस मैप, ओके। ये जो मैप है ये दिस मैप, दिस मीन्स यहाँ पर ये जो उनकी, ये जो मैप उनके लगा हुआ है, नॉट दिस मैप, जो वो ओपन हैंडेड मैप है ना, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इनका वर्ल्ड वो मैप नहीं है, इनका वर्ल्ड क्या है, वो विंडो है जहाँ से वो बाहर देखते हैं। वेयर, कहाँ देखते हैं वो, ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फोग, अगेन मेटाफर है बेटा ये, कि ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डल है, बिल्कुल मतलब जिसका कोई भी आगे फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल वैसे फ्यूचर अनसर्टेन होता है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन इन बच्चों का क्या है, जो फ्यूचर है वो बिल्कुल फॉग से भरा हुआ है, नॉट क्लियर एंड इवन डल, ये सारा मीनिंग इसमें आता है, मीन्स थिक मिस्ट है, अनसर्टेन फ्यूचर है, और जो कि क्या हो रहा है, इनका जो फ्यूचर है फॉग से कवर कर दिया है, बिल्कुल इन्हें बिल्कुल अनक्लियर है, बोले कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ आगे ड्रीम नहीं है इनका, ये इस बात बोली है। इसके साथ में ये बेटा सेकेंड स्टैंजा ही चल रहा है आपका, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लाइट स्काई, और क्या देख रहे हैं, उन्होंने जब क्लास में से देखा ना तो एक नैरो स्ट्रीट देखी है, ओके, ये नैरो स्ट्रीट हो गई है, और सील्ड मतलब अगर आप यहाँ से क्लास में से बैठकर कहीं दूर तक देखोगे और कोई गली जा रही है और वो क्या है, बिल्कुल स्काई ने उसको कवर कर दिया, तो आपको लगता है यहाँ पर क्या हो गया है, बंद हो गया, मीन्स हम यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है हम स्काई को टच करें, बट वो ऐसा दिखाई देता है। तो मीन्स नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लाइट स्काई, अब देखो लाइट स्काई मेटाफर भी है, पन भी है, ट्रांसफर एपिथेट भी है, कैसे है, ये जो बेटा लाइट स्काई है ना आपका, यहाँ पर लाइट होता है ग्रे,
कलर का, ठीक है, मीन्स डल, मीन्स इनका तो स्काई भी जो है वो बिल्कुल डल है, दैट मीन्स कोई इनमें कोई हैप्पीनेस नहीं है. ओके, एक बार तो लाइट स्काई क्या है, बिल्कुल जो पॉल्यूटेड है. एंड सेकेंड थिंग इज कि इन्हें कोई भी चांस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये बात भूली गई है, राइट बेटा. आफ्टर दैट, फार फार फ्रॉम रिवर्स की पेन स्टार्स ऑफ वर्ड्स. एक बार इस लाइन को बताने से पहले जो हमने अब तक किया है वो थोड़ा देखते हैं कि क्या किया है अब तक, ठीक है. मीन्स देयर फ्यूचर इज डिम एंड होपलेस, उनका जो फ्यूचर है डिम है, होपलेस है. यहाँ पर पता है क्लास क्या है, बिल्कुल डल है. और साथ में क्या बताया है कि एक नैरो स्ट्रीट है. अब देखो नैरो स्ट्रीट ये एक मेटाफर है, जो नैरो स्ट्रीट है वो क्या है, एक कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर है. फॉर देयर फ्यूचर विच इज़ लिमिटेड, क्योंकि इनका क्या है एकदम नैरो, ये लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये मेटाफर बोला गया है. पोएटिक डिवाइस सील्ड विद अ लेड स्काई, अगेन ये मेटाफर है कि ये क्या है, लेड स्काई. मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इसका दो मीनिंग भी है, एक मेटाफर भी है जो कि इंडिकेट करता है ग्रे कलर्ड स्काई को, कि जो कि बिल्कुल डल है, इनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस कोई भी होप नहीं है, ठीक है. ये सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हैं, बस अपना टम्मी फुल करते हैं, फुल भी नहीं करते हैं, बस थोड़ा वो जीने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. तो इसके बाद जो बात बोली गई है वो थोड़ी और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या बात बोला है. यहाँ पर ये बात बोली गई है बेटा कि फार फार फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स होता है ट्रैवल, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है. यहाँ पर रिवर्स क्या है, जैसे शिप से ट्रैवल करते हैं ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो ये क्या है, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बात बोली गई है कि ये सी साइड से, ये जो केप है ना, ये होता है जो परफेक्ट इसका मीनिंग मैं बताऊँ आपको, तो जो केप है ये एक पार्ट ऑफ द हाईलैंड स्टिकिंग आउट इनटू द सी है, ठीक है. केप का मतलब यहाँ मतलब लिटरली मीनिंग ये है, पर यहाँ पर केप का मतलब क्या है बेटा आपका, केप का मतलब है कि जो ये जो बच्चे हैं ये हाइट से बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, या ये कह सकते हैं कि ये कभी ऊंचे ऊंचे पहुंच नहीं सकते, ठीक है. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स होता है एजुकेशन, मीन्स द स्टार्स मीन्स दैट एज अ स्टार शाइन इन द डार्क स्काई सिमिलरली द लाइट ऑफ नॉलेज कुड ब्राइटन दिस चिल्ड्रंस फ्यूचर बट दे आर फार अवे फ्रॉम इट, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. मीन्स द चिल्ड्रन का क्या है, डार्क फ्यूचर है, ठीक है. एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विद डिसमे, बिल्कुल डिसमे है उनकी लाइफ, बिल्कुल कवर हो रखी है सैडनेस से. और ये फार फार है, अगेन मतलब रिपीट कर दिया है, मीन्स वेरी फार अवे है, मीन्स सोच भी नहीं सकते, ठीक है. क्या नहीं सोच सकते कि दीज चिल्ड्रन आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सी साइड, सी साइड से, नेचर से, ट्रैवल से, किस कहीं हाइट से और एजुकेशन से, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा दूर है, डिप्राइव्ड ऑफ है, और मतलब कोई भी ना इनकी एजुकेशन के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है, सीरियसली नहीं सोच सकता, ठीक है. सिर्फ गवर्नमेंट भी है, कोई भी है, वो ट्राई करते हैं, बट आप उनकी अगर हेल्थ को, इनको टेक केयर नहीं करेंगे तो वो बच्चे एजुकेशन कैसे करेंगे, राइट बेटा. नेक्स्ट स्टेंजा इज श्योरली, मैंने आपको कहा था ना थर्ड स्टेंजा में क्या है, वहाँ पर वो बताएंगे कंडीशन, कैसी कंडीशन में वो बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ कैसी है. तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कैसे जो डोनेशन ही लगे हुए थे, ठीक है, शेक्सपियर की पिक लगी हुई है, ठीक है, पिक्चर लगी हुई है. तो यहाँ पर श्योरली डेफिनेटली जो पॉइंट कह रहा है कि शेक्सपियर इज विक्ड, विक मीन्स क्या है बेटा, मीन्स यूजलेस है यहाँ पर. अरे वो तो उन्हें हमें पता है ना कितना यूजलेस है, लेकिन उनके लिए तो यूजलेस है ही यहाँ पर, ठीक है. मीन्स कह सकते हो नॉट गुड, नॉट नोबल, यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है. डेफिनेटली शेक्सपियर इज़ नॉट गुड हेयर, यहाँ पर उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है. क्यों नहीं लगाने का मतलब बनता है, क्योंकि शेक्सपियर क्या है, किसका सिंबल है, कल्चर का, एजुकेशन का, इंटेलिजेंसी का. पर यहाँ पर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इन बच्चों में कि ये इसको देखकर इंस्पायर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. द मैप अ बैड एग्जांपल, और जो मैप है ओपन हैंडेड मैप है वो भी यहाँ पर क्या है, बैड एग्जांपल. मैं शेक्सपियर यूजलेस बता दिया, मैप को बैड एग्जांपल बता दिया कि मैप क्या है,
बिल्कुल यूज़लेस है, यहाँ पर काम का नहीं है, एक बैड एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें क्या है, मैप में क्या शो करते हैं, विद शेप्स एंड सन एंड लव। अब देखो बेटा, शिप्स मतलब क्या है, यहाँ पर जो शिप है वो अगेन ट्रैवल को डोनेट करता है, इंडिकेट करता है ट्रैवल को। जो सन है वो इंडिकेट करता है एजुकेशन को, और जो लव है वो इंडिकेट करता है आपका एक्सेप्टेंस को। मीन्स ये पिक्चर क्या है, उनकी एबिलिटी से बियॉन्ड है, राइट बेटा? और ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो सन है, एजुकेशन है, या ये एक्सेप्टिंग मीन्स ये लव है, ये क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करता है, टेम्पटिंग करता है। विथ शेप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये क्या करता है, हमें अट्रैक्ट करता है। क्या करने के लिए अट्रैक्ट करता है, हम कि हमें जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए हम क्या करें, रॉन्ग वे यूज़ करें, ओके, स्टीलिंग करने लग जाए। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्ड, और स्लोली स्लोली जब स्टीलिंग करेंगे तो इनकी जो लाइव्स है ये क्या हो जाएंगी, सीक्रेटली। स्लीली का मतलब क्या है बेटा, सीक्रेटली, पता भी नहीं चलेगा। और टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, क्रैम्ड मीन्स नैरो होल, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। मीन्स क्रैम्ड होल क्या है बेटा, मेटाफर है, ट्रांसफर एपिथेट भी है और मेटाफर भी है। तो जो क्रैम्ड होल है ये एक मेटाफर है जो कि इंडिकेट करता है कि दैट देयर हो स्मॉल होम्स विच आर फिल टू कैपेसिटी, कि मैं बस वो एंटर कर गए तो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। और इनकी जो लाइफ है, फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, दे आर जस्ट स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल टू लिव देयर लाइफ, एंडलेस नाइट। अब देखो नाइट जो है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली नाइट है, ठीक है? और नाइट ऐसी कोई होती नहीं है जो कभी ख़त्म नहीं हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नाइट से मतलब क्या बनता है, नाइट वो डार्कनेस है, वो डलनेस है, वो होपलेसनेस है, जो इनकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है? ये इनको कभी कोई हैप्पीनेस ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। तो ये जो लव है ना, ये जो डिज़ायर है, जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं और जो हम अचीव नहीं कर सकते, तो ये दीज थिंग्स फोर्स दैम टू डू क्राइम्स, ऐसे कुछ क्राइम्स करने के लिए उन्हें फोर्स करती हैं, जैसे वो स्टीलिंग करें, राइट बेटा? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? मीन्स दे हैव अडॉप्ट देमसेल्फ टू लिव इन दिस, हैबिट हो गई है इनको ऐसे स्लम एरिया में रहने की। अब देखो आगे बोला गया है, ऑन देयर स्लैग हिप, ऑन देयर स्लैग हिप मीन्स देख लो यहाँ पर उनकी जो पुअर बॉडी है, स्लैग होता है यहाँ पर, देखो एक मेटाफर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसफर एपिथेट भी बोल सकते हैं। अब देखो स्लैग हिप का मतलब क्या है, स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल, ठीक है? ये मतलब ऐसे जो मीनिंग है वो यही है, वेस्ट मटेरियल जो मीनिंग है। हिप मतलब है पील्स, मीन्स कि ढेर लगा हुआ है, वेस्ट मटेरियल मीन्स ऑन देयर, मीन्स वो अपनी पुअर बॉडी का उनका ढेर है, ठीक है? पुअर बॉडी का मीन्स वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक है। दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, राइट, ये बच्चे कैसे हैं, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, इन बच्चों ने क्या किया हुआ है, वियर किया हुआ है स्किन। अब वियर कैसे करते हैं अभी स्किन, यहाँ पर ये मतलब बोला गया है बेटा कि ये बच्चों की जो स्किन है वो कैसी लग रही है, पीप थ्रू बाय बोन्स, कि वो बोन्स से बाहर पीप्ड आउट कर रही हैं, झांक रही हैं, ठीक है? मीन्स वो इतने वीक हैं कि अगर इनकी बॉडी बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि ये ना अपनी बॉडी को ढो रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ठीक है? और बोन्स का बिल्कुल ढेर लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं है, कोई स्किन नहीं है, ठीक है? उनके अंदर कोई जान नहीं है, राइट? तो ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे आपको ये बता रहे हैं कि उनकी कंडीशंस कैसी है, वो कैसे लाइफ जी रहे हैं। तो ऑन देयर स्लैग हिप दीज चिल्ड्रन वियर, उनकी जो स्किन है वो कैसी है, जो कि पीप्ड आउट कर रही है, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, राइट? एक तो ये बात बोलिए, दूसरी एंड स्पेक्टिकल, स्टील को बहुत चीप मटेरियल बोलते हैं बेटा, ठीक है? स्पेक्टिकल स्टील अगेन मेटाफर, मीन्स कि यहाँ पर क्या है, उन्होंने स्टील का स्पेक्टिकल्स जो वहाँ पर उन्हें कहीं मिल गया है, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया है, मैंडेड कर लिए हैं, विद मैंडेड ग्लास, मुड़े तुड़े ग्लास है, मीन्स टूटे हुए ग्लास है, मीन्स जैसे जो स्पेक्टिकल्स है वो टूटे हुए हैं, ठीक है? उनमें जैसे कोई बोतल होती है या कोई कांच होता है, वो अगर टूट जाए तो उसमें जो क्रैक आ जाते हैं, ठीक है, वो है मैंडेड ग्लास। लाइक बिल्कुल जैसे, देखो यहाँ बताया गया है
भी गया है कि लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे एक बोटल को क्या करो स्टोन पर मारो तो उनके क्या होंगे, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे, वैसे इनकी जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो रखी है, बिखरे हुए हैं कि ये कभी सोच भी नहीं सकते कि कुछ अच्छा इनके साथ हो सकता है। ऑल देयर टाइम मीन्स उनको अब हैबिट हो गई है ना, टाइम एंड स्पेस, स्पेस क्या है यहाँ पर, प्लेस और फोगी स्लम, वो ज़्यादा टाइम अपना फोगी स्लम में ही रहते हैं। एंड ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम एंड सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और इसीलिए बोला गया है सो ब्लोट। यहाँ पर जो ब्लोट का मतलब है बेटा वो ये मतलब है कि ये ब्लिमिश है, ये एक क्लंक है, ठीक है, कि ये जो मैप है ना, अगर ये जैसे वर्ल्ड मैप में इनका कहीं कोई पोजीशन दिखाते हैं कि भी यहाँ यहाँ पर ये स्लम एरिया है, तो ये जो मैप है ना उस पर क्या है, एक बहुत बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पर देयर मैप्स मीन्स मैप विद प्लेसेस फॉर द रिच, ठीक है, कि वो जो मैप है ना जो रिच पीपल ने बना रखे हैं ओपन हैंडेड मैप, तो वहाँ पर ये जो स्लम एरिया है ना ये बिल्कुल हेल है, ठीक है, बिल्कुल नर्क के या बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, ठीक है, मीन्स बिल्कुल अच्छा नहीं है स्लम इन मैप्स में, गंदा दिखाई देता है ना, जैसे कि देखो कॉमनवेल्थ गेम्स आए थे जब दिल्ली में, तो जो ये स्लम एरियाज थी जो कि झोपड़ियाँ थी इनको हटा दिया गया था कि ये अच्छे नहीं लगेंगे ये पिक्चर्स में आएंगे, तो वो बिल्कुल वैसे ही बात बोली गई, ये क्या करो क्या है, ये बिल्कुल एक ब्लोट है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में इस मैप में ये कौन ब्लॉट है, ये स्लम, कि हम अपने आप को कितना भी बड़ा मान लें लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में ऐसे बच्चे अभी भी हैं, तो ये हमारे लिए क्या एक क्लंक की बात ही है। ओके लास्ट स्टैंजा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, और ये कब तक रहेगा भैया ऐसा, आगे देखो रिक्वेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, जो पॉइंट है वो अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तक रहेगा भाई, जब तक कोई गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर आकर विजिट नहीं करता, ओके, और विजिट के साथ साथ क्या नहीं करेगा कि चीज़ों को देखेगा नहीं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप है ना ओपन हैंडेड मैप, ये इनकी विंडो बनाओ, हाँ भाई ये देख पाए ये हम यहाँ रहते हैं, हमारा हमारी ये कंट्री है, ठीक है, एंड दीज विंडोज, वो कौन सी विंडो जो वो बाहर देख रही है, देख रहे हैं ना वो जो नैरो स्ट्रीट है ये जो, ठीक है, मीन्स देयर दीज विंडोज मीन्स एनवायरमेंट ऑफ द स्लम्स, दीज विंडोज मतलब क्या है, एनवायरमेंट ऑफ द स्लम्स, दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, कि ये क्या है इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल शट अपॉन हो रखी है, ठीक है, बिल्कुल बंद हो गई है, ठीक है, शट अपॉन हो गई, राइट बेटा, लाइक कैटाकॉम्स, अब ये कैटाकॉम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड ग्रेव्स, कि जहाँ पर रोशनी का, जहाँ पर लाइटिंग का, जहाँ पर एजुकेशन का, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनकी लाइफ ऐसी है, मीन्स हेयर द पॉइंट जस्ट आस्किंग द गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को एंड द पब्लिक टू मेक दिस मैप ऑन द वॉल, कि वो जो मैप है ना ऑन द वॉल बनाओ, जो वॉल पे लगा हुआ है, और चिल्ड्रन के विजन को दिखाओ, ठीक है, मीन्स चिल्ड्रन उसमें देख पाएँ अपने आप को और उसमें उनको इंटरेस्ट हो, टू मेक इट देयर एस्पिरेशन एंड एन अचीवेबल रियलिटी फॉर देम, कि हाँ भाई ये रियलिटी है, ये मैप रियली में है और एग्जिस्ट करता है हमारे इस वर्ल्ड में, तो द क्लासरूम विंडो विच हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर अपॉर्चुनिटी हैव टू बी ब्रोकन, उन्हें तोड़ देना चाहिए जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे यही बात बोली है, ब्रेक ओ ब्रेक, देखो बेटा एपोस्ट्रॉफी है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस, क्योंकि ओ लगा है ना, ब्रेक ओ ब्रेक तो रिपीटेशन है, राइट, तो ये शो करता है, अर्जिंग कर रहा है टू हेल्प देम एस्केप एंड अचीव देयर ड्रीम्स, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि ये ब्रेक कर दो जो इनकी अपॉर्चुनिटी को स्टॉप कर रहा है, एंड दे शुड बी टेकन, और क्या करें फिर ब्रेक करके, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इनको नेचर में लेकर जाओ, मीन्स दे शुड बी टेकन टू ग्रीन फील्ड रेदर देन द डिम स्लम, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और कैसे बनाओ इनका वर्ल्ड को, रेज्योर, एज्योर क्या होता है बेटा, एज्योर, अब देखो मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड,
देखो एज्योर जो वर्ड है ना, ये जो एज्योर वर्ड है ये है ब्लू स्काई, और देखो इससे पहले क्या था यहाँ पर डल, वो लेड स्काई, डल, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। तो अब कहाँ पर ले जाओ इनको, रन एज्योर, ठीक है, मीन्स कि ये खुले, रन एज्योर मीन्स जो ओपन स्काई है, डीप ब्लू स्काई है, ठीक है, ये एंटीथेसिस है बेटा फोगी लेड स्काई का, वेयर दे लिव, वहाँ पर उनको लेकर जाओ, और कहाँ पर, रन एज्योर, जहाँ तक स्काई है वहाँ तक वो भागें, राइट, मीन्स कि पूरा वर्ल्ड उसके उनके लिए ओपन कर दो, ऑन गोल्ड सैंड्स। और गोल्ड सैंड्स देखो यहाँ पर है ना, ये जो गोल्ड सैंड्स है ये क्या है, जो देखो गोल्ड सैंड एक मेटाफर भी है, ठीक है, तो ये जो डैट मीन्स क्या है कि उनको वेयर वेयर दे वॉन्ट टू, जो ब्यूटीनेस है उस पर जाने दो, मीन्स द सनी वॉर्म सैंड ऑफ द बीचेस एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टिल अ हंगर इन देयर माइंड्स, ओके, फॉर नॉलेज एंड दे विल देन ऑब्जर्व ऑल ऑफ इट, इन्हें जहाँ तक ये सैंड है यहाँ घूमने दो, जहाँ तक स्काई है, वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो लेट देम गो एंड लेट देयर टंग। अब देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि लेट देयर टंग, वट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक दे आर फ्री टू स्पीक, ठीक है, ये जो वो जो कुछ बोलना चाहते हैं, लेट देयर टंग, जो बोलना चाहते हैं लेट देम स्पीक एंड रन वट एवर दे वॉन्ट टू रीड नैग्ड इन टू बुक्स, ये नहीं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर मत करो, ठीक है, वट एवर दे वॉन्ट टू रीड लेट देम रीड, ओके, मीन्स उनके लिए क्या है, इन टू बुक्स, इनके लिए नेचर ओपन कर दो, राइट, वेयर एवर दे वॉन्ट टू रन, वेयर दे वॉन्ट टू गो, लेट देम स्पीक वट एवर दे वॉन्ट, लेट देम रीड एनी बुक वट एवर दे वॉन्ट टू रीड दे कैन रीड, द वाइट एंड ग्रीन, वाइट मीन्स क्या है बेटा, एजुकेशन, मीन्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ये क्या है, मेटाफर है, वाइट एंड ग्रीन लीव्स क्या है, मेटाफर है, मीन्स वाइट इम्प्लाइज द पेजेस ऑफ अ बुक एंड द ग्रीन लीव्स सिग्निफाई द क्लीन एनवायरमेंट प्रॉस्पेरिटी, ओके, तो ये उनके लिए ओपन कर दीजिए, ओके, इनको कन्फाइंड फोर वॉल्स में मत रखिए, ये स्लम एनवायरमेंट में मत रखिए, ये जो स्लम एनवायरमेंट है ना इसको ब्रेक कर दो, जिससे क्या है ये बाहर निकल पाए, नेचर में खुलकर अपनी लाइफ जी पाए, ये बात बोली है, राइट बेटा, मीन्स यहाँ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट विल कम टू दीज चिल्ड्रन एंड लास्ट लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, सन है एजुकेशन, मीन्स पावरफुल लास्ट लाइन, इट मीन्स द पीपल हु मेक हिस्ट्री आर द वन हु स्पीक थिंक फील एंड एन्जॉय द सन, जो ईजली क्या है एन्जॉय करते हैं सन को, जो फील करते हैं, अब यहाँ पर क्या है भाई एजुकेशन, अब यहाँ पर डिग्री की बात नहीं कर रहे कि आप इतना इतनी सारी जो पढ़ाई करो, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़रूर रखो अपने अंदर नॉलेज, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उसी को रिमेंबर करती है जो कि नॉलेजेबल होता है। अब इस लाइन को थोड़ा और बताना चाहती हूँ मैं एक दो लाइन्स में एंड देन वी विल स्टॉप दिस पोएम, ओके, तो मीन्स ये बात छोटी सी बताई गई है कि वन कैन मेक अ मार्क इन हिस्ट्री इफ ओनली वन आउटशाइन अदर्स, मीन्स जो हिस्ट्री जो क्रिएट करते हैं ना बेटा, तो ग्रेट मैन आर नॉट डिफरेंट पीपल, ध्यान रखना ये कोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो इस पोएम में, कि ग्रेट जो मैन होते हैं आर नॉट डिफरेंट पीपल बट दोज हु डू थिंग्स डिफरेंटली, मीन्स हु क्रिएट हिस्ट्री वो दोज आर वेरी मच डिटरमिन, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट, तो ये यही बात यहाँ पर बोली गई है, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ लेट मी नो एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ दिस थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो, ओके, थैंक यू वेरी मच।